तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो मेरा मीशो का पार्सल तो ये मेरा मीशो का पार्सल आ चुका है एंड मैंने इसे अच्छे तरीके से सैनिटाइज भी कर लिया है। बट सैनिटाइज करने के बाद भी मैं इसे धूप में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, आधा एक घंटे के लिए। जब तक मेरे घर के सामने जस्ट धूप है तब तक मैं रख दूँगी। देन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ओपन करके दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। चलो एनिया, चलो एनिया, पापा का दे। टैलेंट पापा का, कटर नहीं चाहिए दूंगा। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट समझ में आ ही रहा होगा। तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र, मेकअप ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया है जो कि ऑफ वाइट एंड ऑफ पिंक कलर का है, बहुत ही प्यारा सा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छी तरीके से आया है, मेरे पास कोई भी डैमेज प्रोडक्ट नहीं आया है। साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे हो कि ये कितने अच्छे से पैकेज हो के आया है, इसमें मतलब डिस्ट्रॉय होने का कोई चांसेस ही नहीं है। बट मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा कि हाँ ये जो साइज़ है ना वो मेरे लिए बहुत ही छोटा लगा मुझे। होपफुली ये अगर थोड़ा बड़ा साइज़ का होता तो मैं ज़्यादा खुश होती, बट कोई नहीं, पहली बार ऑर्डर किया है मीशो के ऐप के थ्रू। तो होपफुली मेरा जो मीशो ऐप का जो एक्सपीरियंस है वो 4 स्टार एक्सपीरियंस रहा, 5 स्टार मैं नहीं दे सकती मीशो को। बट ये प्रोडक्ट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिसीव हुई है। तो कुछ इस तरीके का ये दिखने में लग रहा है, कैसा लगा प्लीज़ बताना। एंड देख ही सकते हो आउटकम ऑफ अ पैकेज। ऑर्डर से ज़्यादा तो तुम लोगों को ये सब की चिंता है, मुझे भी दो। ले जा। मस्ती मजाक करने के बाद मैं आप लोगों को जो ऑर्गेनाइज़र है वो थोड़ा करीब से थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ। एंड देख ही सकते हो कि ये कितना छोटा स्पेस है, इसका थोड़ा बड़ा होता तो ज़्यादा खुश होती मैं। साथ ही साथ ये पीछे की तरफ थोड़ा सा मुझे लूज़ लगा, बट मेरा ही गलती है क्योंकि मैंने उसे अच्छे से डाला नहीं था अंदर। एंड यहाँ का कंपार्टमेंट आप लोग देख सकते हो, दोनों साइड थोड़ा डीपर सेक्शन में है एंड मिडिल में 3 स्मॉल्स एंड वहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के हैं। एंड ये इजीली निकल भी सकता है एंड आपको इसे अच्छे तरीके से पुश इन करना होता है ताकि ये स्टेडी रहे। एंड मतलब एवरेज से थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ मैं इस जो ऑर्गेनाइज़र को लेके। आप लोगों ने भी ये ऑर्गेनाइज़र ट्राई किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर लेना हो तो इसका कोड मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर चाहिए हो तो वहाँ से ले सकते हैं। देन उसके बाद मैंने सोचा हाँ आ ही गया है ऑर्गेनाइज़र, तो हाथों हाथ मेरा जो छोटा सा मेकअप एंड स्किन केयर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए इसे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। एंड आप लोगों को भी अच्छा लगेगा एंड मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन रूटीन शेयर करने में। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ये ऑर्गेनाइज़र। साथ ही साथ आपको भी पसंद आया होगा तो कोड मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू जाके ले सकते हो। एंड अगर आप लोग पहले से ही मीशो ऐप से परचेस करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि प्रोडक्ट के लिंक नहीं होते हैं, उसके कोड होते हैं। तो वो कोड मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए झटपट कर लेते हैं इसमें ऑर्गेनाइज्ड सारा मेकअप एंड मेरा छोटा सा स्किन केयर, ताकि आप लोगों को टोटल थोड़ा नॉलेज मिल जाए कि ये छोटे से ऑर्गेनाइज़र में कितना कुछ सामान अंदर सेटल हो पाएगा एंड अगर हो जाए तो कितना अच्छा लुक देगा। तो जैसे कि देख पा रहे हो मैं जितने अमेजिंग मूड से इसे ऑर्गेनाइज़ करने में लगी पड़ी, वैसे ही बाबू को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील हो रहा है, इसलिए बनाना खाते खाते वो मुझे हेल्प करने बैठ चुका है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करके फाइनली मैं इसे ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऑर्गेनाइज होने के बाद कितना कुछ इसके अंदर स्टोर हो पाया है एंड कितना कुछ नहीं हो पाया।
तो और थोड़ा करीब से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस, ये कितना छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जो कि ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें नहीं सेटल हो पाया है, साथ ही साथ इसमें सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट को ही मैं स्टोर कर पाई हूँ, क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्ट को मैंने कार्टून में ही रख दिया है क्योंकि वो लंबे भी बहुत ज़्यादा है एंड साथ ही साथ इसमें स्टोर होने लायक भी नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा जगह है, मतलब सॉरी बहुत छोटा जगह है, तो ये स्टोर नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं मेरे स्किन केयर के, बाबू के स्किन केयर के ऑयल हैं सारे, वो कार्टन में हैं लेफ्ट साइड में जो कि देख रहा है आप लोगों को, एंड जो छोटा छोटा है मेरा उसको मैं सही से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ इस ऑर्गेनाइज़र में। तो फाइनली मैंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया थोड़ा बहुत कि मैंने क्या क्या ऑर्गेनाइज्ड कर लिया है। तो थोड़ा और क्लोजअप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो जैसे कि देख पा रही हो यहाँ पे मैंने कुछ लिपस्टिक, नेल पॉलिश, थोड़ा सा छोटे छोटे स्किन केयर, साथ ही साथ बड़े वाले कोशिश किया मैंने एक साइड में रखने की। तो आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में तीन ही स्टोर हो पाए हैं, एंड नीचे में मैंने थोड़ा सा आई शेडो, स्मॉल वाला पैलेट, साथ ही साथ थोड़ा सा प्राइमर, बीबी क्रीम, ये सब रख दिया है। एंड इस साइड में थोड़ा बहुत मैंने लिपस्टिक एंड फेस वाश, हेयर सीरम, ये सब रख दिया। इसमें से ही वो पूरा भर चुका है। तो हो चुका है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, अब चलते हैं सुबह का नाश्ता करने के लिए। तो मैं जब तक वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही थी, हस्बैंड मेरी तैयारी कर रहे थे ब्रेड टोस्ट या ब्रेड ऑमलेट बनाने की। तो जैसे कि देख पा रहे हो लगे पड़े हैं बहुत ही इमरजेंसी से एग ब्रेड ऑमलेट बनाने में। तो चलिए जल्दी से बना लेने देते हैं उनको, देन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दिखने में कैसा लग रहा है मेरे हस्बैंड के हाथों आज का ब्रेकफास्ट। तो वो फाइनली बन चुका है एंड दिखने में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि सही से बनाए हैं कि नहीं। खाने में, खाने का टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं था, बट हुलिया थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग बिस्तर में कागज़ बिछा के सेजवान चटनी के साथ ब्रेड टोस्ट ऑमलेट इन्जॉय कर रहे हैं। एंड आज था संडे का ब्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि मेरा ये संडे का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। एंड गाइस मुझे यकीन ही नहीं था कि आज हमारा जो कुरियर बॉय है वो आ जाएंगे, क्योंकि आज था संडे, तो संडे इंदौर में लॉकडाउन रहता है, बट पता नहीं कैसे वो लोग आ गए। बट थैंकफुली एक दिन पहले डिलीवर्ड हो गए, एस्टिमेटेड डे दे देते हैं वो लोग कि इस तारीख को होगा, मंडे को होने वाला था मेरा डिलीवरी, बट कुरियर वाले ने एक दिन पहले ही दे दिए संडे को, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। थोड़ा सा ये मेकअप ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टोरेज है उसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा होता, देन आई वुड हैव गिवन देम 5 stars, बट कोई नहीं चलता है। देन मैं आ चुकी हूँ किचन में लंच बनाने, ब्रेकफास्ट के बाद बहुत देर मैंने रेस्ट किया, देन मैं आ चुकी हूँ आज ब्रेक लंच बनाने। एंड लंच में आज हमारा संडे स्पेशल चिकन कोसा बन रहा है, तो इसका रेसिपी मैंने ब्लॉग में एक बार टोटल शेयर किया था पूरा टोटल प्रिपरेशन के साथ, अगर आप लोगों को देखना तो उसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं करूँगी पहले शावर ले लूँगी, देन मैं आके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज का हमारा लंच मेनू कैसा है। तो यहाँ पे मैंने शावर ले लिया जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, एंड आज
कल परसों ही मैंने हेयर वॉश किया था, इसलिए आज मैं अभी कोई हेयर वॉश नहीं कर रही हूँ, दो दिन रखती हूँ। कल मुझे हेयर में कुछ मास्क लगाना है, कौन सा मास्क लगाना है वो आप लोगों को कल के व्लॉग में दिख जाएगा। बट अभी जब मैंने शावर ले लिया है, अब थोड़ा सा कुछ लगा लेती हूँ। एंड ये अब गुडनेस का एसेंशियल ऑयल लगाऊंगी एंड और एक चीज़ लगाती हूँ, एक चीज़ मैं यहाँ से लेती हूँ। अभी फ़िलहाल ये जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मैं करूँगी, बट इसमें मैंने सारी चीज़ें रख दिया है एज़ यू हैव सीन, सुबह को ही आप लोगों ने देख लिया है। तो उसी में से मैं ये क्रीम और ये कहाँ क्या, ये स्क्रब, ये जेल, हाँ दिख रहा होगा, फोकस यार, ये सैंडलवुड फेस जेल, तो ये भी अप्लाई करूंगी। प्लीज किचन को इग्नोर कीजिए क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा मैसी है। तो सबसे पहले मैं सीरम लगा लूंगी, एज सबको पता ही होगा पहले सीरम लगाते हैं देन उसके बाद जेल लगाते हैं। आई होप सो यही स्टेप है, मुझे ना कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहले मैं पोर्स एरिया में ज़्यादा अप्लाई करूँगी। एंड थोड़ा माउथ के अराउंड। देन उसके बाद मैं लगाऊंगी ये सैंडलवुड फेस जेल। ओ फ्रिकिंग बैड, थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है। 2 मिनट रुकने के बाद इसे, एंड ये बहुत इजीली आपके स्किन में ग्लाइड हो जाता है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया था क्योंकि थोड़ा सा निकल गया था ज़्यादा, तो इसे मसाज की थोड़ा थोड़ा सा फेस में 1 मिनट के लिए कर लेती हूँ। देन उसके बाद फाइनली मैं बिंदी अप्लाई कर लूँगी। एंड मेरा जो आफ्टर शावर स्किन केयर रूटीन है वो हो चुका है एंड ये बहुत ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो चुका है मेरे स्किन में। होपफुली आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी क्योंकि उस रूम में फ़ैन चल रहा, तो आवाज़ आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो फिर जल्दी से पूजा कर लेते हैं, देन करेंगे हम लोग अपना संडे स्पेशल लंच। तो पूजा वूजा करने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ आराम से अपना लंच करने। एंड आज का लंच में जस्ट था चावल एंड चिकन कोसा या करी, जो भी कह सकते हैं। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा ऑनियन लिया है एंड ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं अलग से एक अमेजिंग सा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।